नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो एक कमाल का प्लेटफॉर्म बताता हूँ। ठीक है, तो यार ये प्लेटफॉर्म मुझे भी आज ही पता चला है। जब मैं आप लोगों के लिए एक नया मेथड रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया है मैंने पूरी तरह से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा मेथड है, किस तरह से आप काम कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने रिसर्च की है इस प्लेटफॉर्म के बारे में और मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ किस तरह से आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको साइन अप कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको जाना है प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है printful.com। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बहुत कमाल की खासियत है जो कि सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। ठीक है, तो आपको यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, यहां पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बस आपको इतना ही करना है, ये तीन चीजें यहाँ पे फिलआउट करनी है, आपका नेम, आपका ईमेल और आपको एक पासवर्ड बना के यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं होता, सारी चीजें एक बार आप यहाँ पे अपना नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालोगे उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है इसमें साइन अप करने का। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है तो मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता हूं। तो चलो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि मेरा डैशबोर्ड, तो यहाँ पे हम आ गए और ये रहा। ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। तो यार सबसे पहले यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे पूरी ये स्टेप्स दिए हैं जो कि आपको किस तरह से पूरा एक अकाउंट सेटअप करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले आपको साइन अप का आ गया तो मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया। ठीक है, उसके बाद कन्फर्म योर ईमेल, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल कन्फर्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आता है क्रिएट अ प्रोडक्ट टेम्पलेट। अब क्रिएट अ प्रोडक्ट टेम्पलेट का मतलब हुआ कि आप एक अपनी डिजाइन बनाओगे टी शर्ट के ऊपर या जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो उसके ऊपर आप यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करके अपलोड करोगे। ठीक है, जो कि क्रिएट अ प्रोडक्ट टेम्पलेट में सारी चीजें आती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कवर प्रोडक्ट टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, या तो फिर आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो आपकी जो चॉइस है वो आप कर सकते हो, या आप यहाँ पे सिलेक्ट करो डिस्कवर प्रोडक्ट टेम्पलेट। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा पढ़ लो प्रोडक्ट टेम्पलेट के बारे में, जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं बैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक मत करना, यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखो, तो अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेन्स क्लोथिंग, ऑल टी शर्ट, ऑल शर्ट्स या जैकेट्स या टी शर्ट्स, जो भी हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला पहले वाला अभी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आता है कि आपको अब इसको डिजाइन करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और इसे आप खुद से डिजाइन कर सकते हो, जैसे भी आप अपने डिजाइन करना चाहो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सीधा सीधा यहाँ पे ड्रॉप योर डिजाइन, यानी कि आपने जो भी डिजाइन क्रिएट किया है आप डिजाइन कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, आप canva.com की मदद से कर सकते हो या तो फिर फाइवर पे किसी को हायर कर सकते हो जो आपको यूनिक डिजाइन्स बना के दे दे। ठीक है, यही आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है
किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है इस चीज का, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा ये ट्यूटोरियल चेकआउट करो और आप उसके बाद यहाँ पे एक डिजाइन डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप योर डिजाइन करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद आप फाइल सिलेक्ट करोगे, जो जिस भी फाइल में आपका फोल्डर में फाइल होगी वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है क्योंकि मुझे भी ये प्लेटफॉर्म आज ही मिला है, इसीलिए मैं इस पर अभी कुछ अपलोड नहीं करने वाला, लेकिन आप अपनी डिजाइन को अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे आप यहाँ पे पूरी डिजाइन कर सकते हो, इसके फ्रंट में डिजाइन कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बैक में डिजाइन कर सकते हो, स्लीव में डिजाइन कर सकते हो, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप अपनी तरह से भी कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, इस तरह की डिजाइन जैसी भी आपको क्रिएट करनी है आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा स्टेप। उसके बाद चलो मैं आपको आगे के स्टेप्स भी बता देता हूं। गो टू डैशबोर्ड, चलो तो ये लोड हो रहा है। उसके बाद कनेक्ट टू योर स्टोर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग स्टोर के साथ इंटीग्रेट होता है, यानी कि आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो और उन डिजाइन को इसी स्टोर की मदद से आप सेल कर सकते हो। Amazon पे, Etsy पे, इन वेबसाइट पे आप यहाँ जो स्टोर पे प्रोडक्ट क्रिएट करते हो उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो Amazon और Etsy के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चूज योर स्टोर प्लेटफॉर्म, तो यहाँ से आपको चूज करना है Amazon और Etsy, इन दोनों प्लेटफॉर्म को मैं रेकमेंड करता हूँ जो कि आप चूज करोगे जहां पे आप अपनी डिजाइन को सेल करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे शिप, चूज शिप स्टेशन, तो ये वाला एक ऑप्शन है, इसके बारे में मुझे भी अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहाँ पे चेकआउट करना है। आप यहाँ पे एक बार नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये ट्यूटोरियल वीडियोस हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इन सारे वीडियोस को देख लो ताकि आपको 100% नॉलेज हो जाए कि किस तरह से यहाँ पे आपको डिजाइन क्रिएट करके Amazon और Etsy पे सेल करनी है, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंटफुल के बारे में, हाउ टू फाइंड अ बिजनेस, पूरी की पूरी चीज इन्होंने यहाँ पे ट्यूटोरियल्स दे दिए हैं आपको, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एड योर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट्स एड करने हैं। उसके बाद एड पेमेंट मेथड, जिसके बारे में आप लोग जानते हो कि पेपल से पेमेंट होती है। उसके बाद ऑर्डर सैंपल्स एंड एंश्योर क्वालिटी, अगर आपको कोई ऑर्डर सैंपल करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, ये आपकी चॉइस है, आप इससे काम कर सकते हो। और ये सब तो हो गया, आपने खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से इंटीग्रेट कर दिए Amazon के साथ और एज वेल एज Etsy के साथ। अब इंटीग्रेशन क्या है वो आपको इन वीडियोस को देख के पता चलेगा कि किस तरह से आपको सारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है, बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है ये, और तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हेल्प सेक्शन है, वहां पे जाके आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। दूसरा तरीका इस प्लेटफॉर्म से कमाने का, एक तो आप यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म खुद आपकी टी शर्ट्स को सेल करेगा, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक, दूसरा Amazon, तीसरा Etsy, क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक तरीका यहाँ से कमाने का, वो है अफिलियट, यहाँ से आप अफिलियट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अफिलियट बनना चाहते हो तो एक बार यहाँ पे साइन अप कर लो, उसके बाद बिकम एन अफिलियट, तो आपके पास ये अफिलियट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इस अफिलियट फॉर्म को भर के आप यहाँ के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं जो कि डिजाइन्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं,
उन डिजाइन को भी आप प्रमोट कर सकते हो और आप खुद के डिजाइन भी सेल कर सकते हो, साथ ही साथ एज एन अफिलियट प्रोडक्ट भी यहाँ से प्रमोट कर सकते हो। तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है और सारी पेमेंट होती है पेपल की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर एवरी प्रोडक्ट 10% आपको कमीशन मिलेगा, रिकरिंग कमीशन, ठीक है, फॉर 9 months ऑफ द टाइम फ्रॉम योर रेफर्ड कस्टमर मेक्स फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आपका जो रेफर्ड कस्टमर है उसकी 9 month की कुकी सेव हो जाएगी, मतलब कि आपने उसे एक बार यहाँ पे भेजा, 9 महीने के अंदर वो कोई ऑर्डर देता है और खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो रिसीव योर अर्निंग्स थ्रू पेपल, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए जिससे आप पैसे कमाओगे, खुद की टी शर्ट प्रिंट करके पैसे कमाओगे, खुद की टी शर्ट डिजाइन अपलोड करके पैसे कमाओगे, Amazon और Etsy पे इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि टी शर्ट ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल होगी, और दूसरी चीज आप यहाँ से अफिलियट मार्केटिंग करके पैसे कमाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अफिलियट मार्केटिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाला यहाँ पे साइन अप करके अफिलियट लिंक अपना ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कमाल की वेबसाइट बताता हूँ जो कि है Pinterest.com, ठीक है। टी शर्ट्स का तो खजाना है इस वेबसाइट के ऊपर, ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है लेकिन मैं आपको रियल अकाउंट में लेके चलता हूँ। चलो बाय Pinterest। तो चलो मैं अपना Pinterest अकाउंट ओपन करता हूं, तो यार ये मेरा फिर से टेस्ट अकाउंट खुल गया, रियल अकाउंट कहाँ है भाई, ठीक है। तो यहां पे तो नहीं है, हाँ तो ये मेरा Pinterest का अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो यार Pinterest के ऊपर पिछले वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे, तो उसके बेसिस पे मैं अपना Pinterest अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो समझ सकते हो कि इस अकाउंट को मैंने किस तरह से बिल्डअप किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बोर्ड बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट पिन, और यहाँ पे बोर्ड बनाने का भी ऑप्शन होता है, तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड बनाना है न्यू, फॉर यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ न्यू पिन, तो आप एक पिन बना दो, ठीक है। यहां से क्रिएट अ न्यू पिन, जो भी आपने डिजाइन बनाई है या तो फिर जिस भी डिजाइन का आपको अफिलिएट प्रोडक्ट सेल करना है उस डिजाइन का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ पे आप एक टाइटल दोगे जो भी आप टाइटल देना चाहो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालोगे और उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली अफिलिएट लिंक पेश करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट बोर्ड में जाना है, ठीक है। क्रिएट बोर्ड से एक नया बोर्ड बनाओ जो कि स्पेशली टी शर्ट के लिए होगा, ठीक है। स्पेशल एक बोर्ड बना दो जो कि है टी शर्ट का बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन्स अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपने जो डिजाइन्स वहां पे अपलोड सेल करने के लिए रखी है उन डिजाइन्स को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और इस तरह से आप ड्राइव करोगे ढेर सारा ट्रैफिक अपने इस अकाउंट के ऊपर, प्रिंटफुल अकाउंट के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करोगे। तो यार ये पूरी की पूरी एक एंटायर बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है कि जो इतनी सारी सर्विसेस आपको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ Amazon और Etsy जैसी वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है, और तो और आपको अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग करने का मौका मिलता है। तो यार बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है, एक बार तो कह सकते हैं कि टीस्प्रिंग और रेड बबल से भी बेहतर है इस प्लेटफॉर्म में, अगर आप काम करते हो सीरियसली, अच्छे से काम करते हो। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि यार आप पहले इस प्लेटफॉर्म को सीखने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए, 1-2 वीक लीजिए, पूरी तरह समझिए कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है, उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पूरी आपके पास अपॉर्चुनिटी है
इंडिया में इस प्लेटफॉर्म पे शायद बहुत कम लोग काम कर रहे हैं या तो फिर ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बन सकते हो इस प्लेटफॉर्म के यूजर, आप कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे काम और आप कमा सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा पैसे। ठीक है, करंटली मैं अभी बहुत सारे दूसरे कामों में बिजी हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे ध्यान दे रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग में ध्यान दे रहा हूँ, तो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं निकल सकता कि मैं अभी फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट करूँ। लेकिन आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इन प्लेटफॉर्म से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज हैं जो कि आपको सिखाएंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से काम किया जाता है, उन वीडियोज को चेकआउट करो, वहां से सीखो और इन प्लेटफॉर्म से काम करना शुरू करो, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना स्टार्ट करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट लगेगी। और मैंने आपको बता दिया ट्रैफिक आप कहां से ड्राइव करोगे, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपका जिसका आपको पूरा फायदा उठाना है। और आप यहाँ पे एज एन अफिलिएट बन सकते हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल रही हैं, और तो और यहाँ पे यही प्लेटफॉर्म आपको पूरा सिखा रहा है कि किस तरह से आप यहाँ पे काम करोगे पूरे ट्यूटोरियल्स के साथ। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी ट्यूटोरियल्स देखो, पूरी चीजें डीप में सीखो, आप डेफिनेटली एक दो महीने के अंदर इस प्लेटफॉर्म से काम करना स्टार्ट कर दोगे और यहाँ से अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में अर्निंग हो जाएगी, लेकिन जैसे आप काम करते जाओगे इस प्लेटफॉर्म के साथ, आप इसे समझते जाओगे और आप इससे अर्निंग करोगे। तो यार आपको ये वाली वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, कुछ अच्छी वैल्यू मिली हो, कुछ अच्छा कंटेंट मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपके साथ पूरी तरह ऑनेस्ट हूँ कि यार मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी पता चलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और आपको बहुत काम आ सकती है। लेकिन करंटली मैं इस अपॉर्चुनिटी पे काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सिंगल इंसान हूं और एक टाइम पे 2 से 3 काम कर रहा हूं, लेकिन 4-5 काम नहीं कर सकता। तो ये बात मैं आपके साथ पूरी तरह ऑनेस्टली बता देता हूं कि यार इस प्लेटफॉर्म का आप यूज कर सकते हो, आप इससे पैसे कमा सकते हो, आपके पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो जरूर इस चीज पे एक्शन लेना और इस प्लेटफॉर्म का यूज करके पैसे कमाना। तो यार आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके फॉलो मारो, ताकि आप कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो मैं उनका आंसर इंस्टाग्राम पे कर दूंगा, तो आप मुझे वहां पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।